बागेश्वर जिले में बाल विकास परियोजना के तहत पदयात्रा निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। बागेश्वर स्थित विकास भवन में बाल विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और सीडीपीओ निर्मल बसेड़ा ने पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा में बाल विकास विभाग, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय पोषण अभियान व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोगों को बेटियों की तरक्की के लिए जागरूक किया। तहसील मार्ग माल रोड नुमाइशखेत बाजार होते हुए पदयात्रा विकास भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इसके साथ ही कपकोट ब्लॉक और गरुड़ में भी पदयात्रा निकाल लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। कॉलेजों की छात्राओं ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा में भाग लेने वाली महिलाओं और छात्राओं का कहना था कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता लाते हैं। एक तो ये फायदा होना चाहिए कि जो बेटियों को जल्दी शादी करा देते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं है टाइम से, तो उनको हम जन जन से जागरूक करना चाहते हैं इस रैली से, ताकि वो जागरूक हो कि बेटियों को बचाना कितना जरूरी है और बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। ये योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर रखी है। हम आंगनबाड़ी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हम इसी में काम करते हैं और सभी को हम बताते हैं, सभी महिलाओं को बताते हैं, सभी को हम अपने केंद्र में बताते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए बेटियों को। जो लोग कोख में मार देते हैं यह पाप है और ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों के साथ। द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसको हम सहयोग कर रहे हैं और हमारे